आइए माता जी। क्या नाम है, कहां से हो? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में कहां रहती? अच्छा चलो हम आओ नजदीक। तो आपको भरोसा था कि बालाजी बुलाएंगे? अच्छा तो कुरुक्षेत्र में कहां रहती? जी अरे बा, क्या समाधान चाहिए आप? और क्या है, घर का क्या है, क्लेश बना, एकता नहीं है, बालक डिप्रेशन में है, नौकरी नहीं पा पा रहा, तंत्र का प्रभाव है, रिश्तेदारी में भांजे को ब्रेन में दिक्कत हो गई है। माइक ले लूं, यही होगा। हाँ, चोट लग गई उसको, शिथिलता सुन्नपन बन गया, बोल उठ नहीं पा रहा, वह कोमा जैसी स्थिति बन गई, गंभीर हालत है। लेकिन जाओ, आपके बालक को सफलता प्राप्त होगी। 2.25 वर्ष के अंतर्गत आप अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ करवा दें, आशीर्वाद है। क्या यही विषय पूछे? बराबर बाबा जी, मैंने कराना है या मेरी बहन ने कराना है? आपकी बहन ने। बहन ने कराना। और कैसे हुआ एक्सीडेंट? बड़ा जबरदस्त। कोई प्रेत बाधा नहीं है, साधारण। किस चीज के साथ हुआ बाबा जी? कुछ नहीं पता हमें। आपको जानकारी तो है, पर उसमें किसी ने मारा नहीं है, ये तय। अच्छा जी। हाँ। बहुत गंभीर है, बोलता भी नहीं, देखता भी नहीं बाबा जी, वो कृपा करो आप। ब्रेन में समस्या, उसका फोटो मिल जाएगा क्या? हाँ जी बेटी है। लाभ तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपना प्रयत्न, जो भी हमें चूरन चटनी करनी है तो बहुत ज्यादा गंभीर हालत, लाभ मुश्किल है, लेकिन हम अपनी चूरन चटनी पूरी लगा रहे। तुरंत रामायण का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, दो में से कोई आप एक करवाओ, हम आपके घर के लिए कवच देंगे धाम पर, बालक निश्चित रूप से सफल होगा। आप चिंता ना करें, ये मंत्र आपको भी करना, आपकी बहन को भी भांजे के लिए देना। यही मंत्र बोलकर सिर पर हाथ रखना है, भभूति हम पहुंचवा रहे हैं। है गंभीर हालत, जवाब उल्टा आया है, क्योंकि श्वास लेने में भी दिक्कत बन रही है, मशीनरी श्वास चल रही है, मशीन की श्वास लगी हुई है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो हमें जवाब शक्तियों ने उल्टा दिया है, फिर भी जितनी चूरन चटनी बल हमारा है, हम उनके लिए प्रार्थना अपने बालाजी महाराज से करते हैं।